माय चैनल्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आप 10 किलोमीटर को 35 मिनट में कैसे रन कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैंने एज अदर वीडियोस दो पार्ट्स में बांटा है। पहला पार्ट बेस ट्रेनिंग है, दूसरा रेस स्पेसिफिक वर्कआउट। अब बेस ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं हर वीडियो में इतना एम्फसाइज क्यों करता हूँ, क्योंकि आपका जो बेस ट्रेनिंग है वो आपको फोकस करता है आपके एरोबिक सिस्टम पे। एरोबिक सिस्टम सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कंडीशन होने में, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है अच्छा प्रोग्रेस करने में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एज कम्पेयर टू एनएरोबिक सिस्टम। तो बेस ट्रेनिंग हम कैसे करेंगे? बेस ट्रेनिंग हम 3 महीने तक करते हैं और हम इजी रनिंग इस फेज में करेंगे। अगर आपके पास 6 दिन है और आप 1 दिन रेस्ट करना चाह रहे हो, आप 5 से 6 दिन इजी रनिंग लोगे। उन 6 दिन में आप 2 वर्कआउट्स करोगे अपने बेस ट्रेनिंग में। एक वर्कआउट होगा लॉन्ग रन और दूसरा वर्कआउट होगा आपका टेम्पो रन। अब आपको 10 किलोमीटर को 35 मिनट में करना है तो आपको अपनी ट्रेनिंग पेस पता होनी चाहिए। ईजी रनिंग आप अपने ईजी रन ले सकते हो करीबन 5, 5.5, 6 मिनट पर किलोमीटर, जैसा आपका बॉडी अडाप्ट करता है। ईजी रनिंग मतलब बिल्कुल ईजी एट अ कॉन्वर्सेशनल पेस, जिस पेस पे अपने फ्रेंड से बात भी कर सकते हो। उस पेस पे आपको 4 दिन रनिंग करनी है। टेम्पो रन और लॉन्ग रन, टेम्पो रन जैसे मैंने आपको अपने बाकी वीडियोज में बताया, हमारी लैक्टेट थ्रेशोल्ड पेस पे होता है। अब अगर किसी को 10 किलोमीटर 35 मिनट में करना है तो उसका रेस पेस है 3.5 मिनट पर किलोमीटर। जो उसका टेम्पो पेस रहेगा वो रहेगा 3:40 से 3:45 पर किलोमीटर। तो ये जो टेम्पो रन है ये उसको करना है 4 से 5 किलोमीटर एट 3:40 to 3:45। दूसरा वर्कआउट जो हमारा लॉन्ग रन है वो आपको करना है बिल्कुल ईजी पेस पे। और लॉन्ग रन आपका कितना होता है? 20% ऑफ अ वीकली माइलेज। तो अगर मैं आपको वीकली माइलेज बताऊं, अगर आप अपनी रनिंग स्टार्ट करते हो 15-20 किलोमीटर से और आप 3 महीने में उस रनिंग को ले जा रहे हो 75-80 किलोमीटर्स पर वीक, अब 10% से ज़्यादा अपनी रनिंग इंक्रीज मत करो वीक ऑन वीक, ताकि आप इंजर ना हो, आप थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रख सकते हो। अगर आपका रनिंग हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है तो आप अपनी माइलेज उतनी हिसाब से बढ़ा सकते हो कि आपके रेफरेंस होगा कि आपने पिछले साल इतनी रनिंग करी है तो आप इस साल भी उतनी रनिंग उस बेस को लेकर आप इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो ये वर्कआउट्स है वो किस पेस पे करना है। थ्रेशोल्ड पेस तो मैंने आपको बता दिया, आपके लिए 3:40 से 3:45 के बीच में रहेगी। जो लॉन्ग रन है वो किस पेस पे होना चाहिए? देखो, लॉन्ग रन आपकी पेस वेरी कर सकती है, कोई फिक्स पेस नहीं है कि लॉन्ग रन की इतनी ही पेस होनी चाहिए। लॉन्ग रन होता है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एट अ वेरी कॉन्वर्सेशनल पेस, बट आपको बेनिफिट लॉन्ग रन का तब मिलता है जब आप 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा रनिंग कर रहे हो। बहुत ईजी पेस पर आपको ये रनिंग करनी है। तो लॉन्ग रन भी आपको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना है। जैसे अपनी वीकली माइलेज आप इंक्रीज कर रहे हो 15-20 किलोमीटर से, अगर आप 70-80 किलोमीटर तक ले जा रहे हो तो जो आपको लॉन्ग रन है वो भी आपको 6-7 किलोमीटर से लेकर 20-22 किलोमीटर तक प्रोग्रेसिव इंक्रीज करना है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो 2 वर्कआउट्स आपको ये करने हैं, इसके अलावा आपको 4 दिन ईजी रनिंग करनी है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, आप एक वीक में ये वर्कआउट्स कैसे कर सकते हो। मंडे को आप ले सकते हो एक ईजी रन जो आपका रहेगा 7 से 8 किलोमीटर का, ट्यूजडे को आप ले सकते हो एक 5 किलोमीटर थोड़ा सा मीडियम रन, वेनेसडे को दोबारा इजी रन ले सकते हो 7 से 8 किलोमीटर का, फिर आप थर्सडे को एक ले सकते हो टेम्पो रन जो आपको लेना है 4 से 5 किलोमीटर का आपकी थ्रेशोल्ड पेस पे, फ्राइडे को दोबारा एक इजी रन ले सकते हो और सैटरडे को आप एक लॉन्ग रन ले सकते हो जो आपको लेना है। डिपेंड करेगा आप उस वीक में कितना रनिंग कर रहे हो। अगर आप 40 किलोमीटर कर रहे हो तो आप 12-13 किलोमीटर का लॉन्ग रन ले सकते हो, अगर आप 70 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो तो आप 20-21 किलोमीटर का लॉन्ग रन ले सकते हो। ये आपका बेस फेज का वर्कआउट है। बेस फेज का वर्कआउट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्कआउट आपको इजी डेज पे इजी वर्कआउट करना है, हार्ड डेज पे हार्ड वर्कआउट करना है। आपको रोज हार्ड रनिंग नहीं करनी है, आपको जिस दिन आपको अपनी इजी रनिंग करनी है आपको उस दिन बिल्कुल इजी पेस पे रनिंग करनी है। तो ये था हमारा बेस फेज। अब सेकेंड फेज है हमारा रेस स्पेसिफिक वर्कआउट फेज। तो गाइस, 5 किलोमीटर का आपका जो टाइम है वो आपका 10 किलोमीटर के टाइम के साथ कोरिलेट करता है। कैसे कोरिलेट करता है? अगर आप 5 किलोमीटर को 17 से 18 मिनट के बीच में कर रहे हो तो आप 10 किलोमीटर को 35 मिनट्स में कर सकते हो। तो अगर आप 5 किलोमीटर को 18 से 19 मिनट में कर रहे हो तो आपको 10 किलोमीटर को 35 मिनट्स करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट आपको अपना 5 किलोमीटर का टाइम भी थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। तो आपको वर्कआउट्स कैसे करने हैं, जो हमारा सेकंड फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस स्पेसिफिक वर्कआउट फेज। ये वर्कआउट फेज भी आपका 3 महीने का रहेगा। इन 3 महीने में आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ आपकी ट्रेनिंग पेस। ट्रेनिंग पेस मतलब आपको किस पेस पे वर्कआउट्स करने हैं। आपको ये पता है कि आपका जो रेस पेस है, जिस पेस पे आपको एक्चुअल रनिंग करनी है, वो रहेगा 3.5 मिनट पर किलोमीटर, जिसके हिसाब से आप 10 किलोमीटर को 35 मिनट पर रन कर सकते हो। ये है आपकी रेस पेस। दूसरी पेस है आपकी थ्रेशोल्ड पेस, जो रहेगी 3:40 से 3:45 के बीच में आपकी थ्रेशोल्ड पेस। थर्ड हमारी पेस रहेगी 5K पेस, और 5K पेस होती है 12 से 14 सेकेंड स्लो देन योर 10K रेस पेस। अब आपकी 10K रेस पेस है 3:30 मिनट पर किलोमीटर, तो जो आपकी 5K पेस लेगी वो रहेगी कम से कम 3:18 मिनट 3:18 सेकेंड पर किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, आपको अपने वर्कआउट करने हैं 5K पेस पे, 10K की रेस पेस पे, थ्रेशोल्ड पेस पे,
और कुछ वर्कआउट आपको करने आपकी 3K पेस पे। 3K पेस होती है आपकी 10 से 12 सेकंड स्लोर देन योर फास्टर देन योर 5K पेस। तो अब आपके 5K पेस 3 मिनट 18 सेकंड पर किलोमीटर था, तो जो आपका 3K पेस रहेगा वो रहेगा 3 मिनट 5 से 3 मिनट 4 सेकंड 3 मिनट 4 सेकंड पर किलोमीटर। वो 3K पेस में हम काफ़ी फास्ट वर्कआउट्स करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में। तो अब मैं आपको वर्कआउट के एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं एज्यूम करता हूँ से आपके पास चार हफ्ते हैं, आपके पास आप 3 महीने का ले सकते हो, बट आप ये वर्कआउट्स रिपीट भी कर सकते हो और मैं ज़्यादा एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपके पास सिर्फ 4 हफ्ते हैं, तो मैं आपको उसका आइडिया देता हूँ आपको कैसे करना है। मंडे को आप ईजी रनिंग कर सकते हो, सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर बिल्कुल ईजी रनिंग करी। ट्यूजडे को आप ले सकते हो इंटरवल सेशन। अब जो इंटरवल्स सेशन रहेंगे वो आपके रह सकते हैं स्मॉल इंटरवल्स, लार्ज इंटरवल्स। अब अगर आप स्मॉल इंटरवल सेशन ले रहे हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो 400 मीटर रिपीट से। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जो आप अपने इंटरवल्स लेते हो इसकी जो माइलेज होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए 5 से 6 किलोमीटर, उससे ज़्यादा आपको रनिंग नहीं करनी। मतलब 5 से 6 किलोमीटर हार्ड रनिंग जो आपकी इंटरवल, आपकी इंटरवल पेस पे रहेगी। तो 5 से 6 किलोमीटर में आप डिस्ट्रीब्यूट करो, से पहला वर्कआउट आप कर सकते हो 15 टाइम्स 400 मीटर, इसमें आप 90 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो। अभी जो आपको करना है ये आपको करना है अपनी 5K पेस पे। 5K पेस मतलब जो आपको मैंने बताया 3 मिनट 18 सेकंड पर किलोमीटर, इस पेस पे आपको अपना ये वर्कआउट करना है। तो 15 टाइम्स 400 एट 90 सेकंड रेस्ट आप ले सकते हो। उसी वीक में वेडनेसडे को आप एक ईजी रन ले लो, थर्सडे को आप ले सकते हो एक टेम्पो रन। अब आप टेम्पो रन और लॉन्ग रन आपके जो पहले 3 महीने था वो आप वीक थ्रू आउट कंटिन्यू रखोगे अपने अगले 3 मंथ्स भी। तो टेम्पो रन आप अगेन लोगे 4 से 5 किलोमीटर, तो आपको टेम्पो रन लेना है पर इसी पेस आपको वही रखनी है 3 मिनट 40 सेकंड के आसपास। फ्राइडे को आप दोबारा एक ईजी रन लो, सैटरडे को आप एक लॉन्ग रन लो। लॉन्ग रन आपको लेना है जितना भी आप उस वीक में रनिंग कर रहे हो। ये आपका रेस स्पेसिफिक वर्कआउट फेज है गाइस। अब इसमें आप एक और चीज़ ध्यान रखो, इसमें आप जो शॉर्ट इंटरवल्स हैं जिस दिन आप अपना टेम्पो रन कर रहे हो उस दिन आप अपने शॉर्ट इंटरवल्स भी कर सकते हो, जो आपको करना है अपनी 80% ऑफ योर टॉप एंड स्पीड। आप उसमें ले सकते हो 10 टाइम 200 मीटर या 8 टाइम्स 150 मीटर या फिर आप 12 टाइम्स 100 मीटर। आप 100, 150, 200 मीटर के रिपीटेशंस ले सकते हो थोड़े से फास्ट, लाइक आपको फुल स्पीड पे नहीं दौड़ना है, 80% ऑफ योर टॉप एंड स्पीड पे वर्कआउट्स करने हैं। तो ये आपका हो गया रेस स्पेसिफिक वर्कआउट फेज, पर मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया। अब मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ ट्यूसडे को। जैसे आपने मैंने को पहला बताया 15 टाइम्स 400 मीटर, इसमें आप 90 सेकंड का रेस्ट हो। दूसरा वर्कआउट कर सकते हो 10 टाइम्स 800, मतलब 6 से 10 टाइम्स 800 मीटर। आप ट्राई करो कि ये वर्कआउट आपको करना है आपकी 5K और 10K पेस के बीच में, पर आप एकदम से मत इंक्रीज करना अपना जो आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, आप ग्रेजुअली इंक्रीज करो। आप ट्राई करो 5 टाइम्स 800 मीटर से स्टार्ट करो, फिर आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करो, आप एकदम से इंक्रीज मत करो। पर आपको जो वर्कआउट करना है ये करना है आपकी 5K और 10K पेस के बीच में। फिर आप अगेन आप नेक्स्ट वीक सेम ट्यूजडे को आप दोबारा वर्कआउट कर सकते हो, इसमें आप ले सकते हो 6 टाइम्स 1000 मीटर। ये आप कर सकते हो आपकी 10K रेस पेस पे, मतलब आपको 1000 मीटर लेना है, 1 किलोमीटर के 6 रेपिटेशन लगाने हैं, इसमें आप ले सकते हो 2 से 2.5 मिनट का रेस्ट। ये वर्कआउट आपको करना है आपकी 10K रेस पेस पे, मतलब 3.5 मिनट पर किलोमीटर पे आपको ये वर्कआउट करना है। तो आप 5 से 6 टाइम्स ये करो, 2.5 मिनट का रेस्ट लो। उसके नेक्स्ट वीक आप एक और वर्कआउट कर सकते हो 4 से 5 टाइम्स 1200 मीटर, इसमें भी आप 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट लोगे। ये वर्कआउट आपको करना है आपकी 10K रेस पेस पर ही, जो मैंने आपको बताया 3.5 मिनट पर किलोमीटर, इसी पे आपको 1200 मीटर इसी पेस पे करना है। अब ये वर्कआउट्स कुछ हैं जो आप कर सकते हो आपके रेस स्पेसिफिक वर्कआउट फेज में। थर्सडे को आपके पास चॉइस रहती है कि थर्सडे को या तो आप टेम्पो रन ले लो, टेम्पो रन आप 5-6 किलोमीटर का ले रहे हो, उसके साथ आपने थोड़े स्पीड वर्कआउट्स कर रहे हो, मतलब आप अगर आपने 5 किलोमीटर टेम्पो रन लिया और आप उसमें 200 मीटर के से 5-6 रेपिटेशन 200 मीटर के लगा रहे हो, वो आप कर सकते हो। वरना दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है माइल रिपीट्स। अब माइल रिपीट्स होते हैं 1600 मीटर के रिपीट्स जो आप थर्सडे को ले सकते हो, ये भी आप अपनी थ्रेशोल्ड पेस पे लो। बट आपको जो ये लेने हैं इसमें आपको रेस्ट सिर्फ 1 मिनट का लेना है। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको 1600 मीटर लगाना है तो आप लोगे 1600 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड पर किलोमीटर पेस पे, और इसमें आप 4 से 5 रेपिटेशन लोगे और आप सिर्फ 1 मिनट का रेस्ट लोगे, क्योंकि ये आपकी 10K रेस पेस पे वर्कआउट नहीं हो रहा है, ये आपकी थ्रेशोल्ड पेस पे वर्कआउट हो रहा है। इसके साथ फिर आप अपना वो सेम कंटिन्यू कर सकते हो, थोड़े से जो आपके शॉर्ट स्ट्राइड्स हैं वो आप ले सकते हो थर्सडे। तो ये आपका रेस स्पेसिफिक वर्कआउट फेज है गाइस। मैं ज़्यादा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे और भी डाल दूंगा। ये वर्कआउट आपको करना है 3 महीने, और लास्ट के जो 2 हफ्ते हैं वो आपका जनरली पीक रहता है, 2 से 3 वीक आपको पीक करना है। उस टाइम आपको क्या करना है, अपना माइलेज थोड़ा सा कम करना है, अराउंड आप 30-40% ना माइलेज कम करो, लॉन्ग रन्स थोड़े से कम करो, और आपको थोड़े ज़्यादा स्पेसिफिक वर्कआउट करने हैं आपको शार्प पीक करने के लिए। मेरे फेवरेट पीकिंग वर्कआउट्स 10 किलोमीटर के हैं,
जैसे आप उसमें आप अपने माइल रिपीट्स ले सकते हो, 4 से 5 times माइल रिपीट्स, या फिर अगर आपको बहुत अच्छा पीक वर्कआउट चाहिए तो आप 3 times 3200 मीटर ले सकते हो, या फिर आप एक लैडर वर्कआउट भी कर सकते हो। जो आपकी शार्पनिंग वर्कआउट्स रहते हैं ये आपके जनरली रेस पेस और स्लाइटली फास्टर देन रेस पेस, मतलब आपके 5K 10K पेस के बीच में अगर आप करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट आपको ये एटलीस्ट अपनी 10K रेस पेस पे करना ही है। इसके एग्जाम्पल से आपको स्क्रीन पे डाल देता हूँ, तो आप लैडर वर्कआउट्स कर सकते हो, आप माइल रिपीट्स ले सकते हो अपनी रेस पेस पे, और उसके अलावा आप कुछ वर्कआउट्स कर सकते हो, टेम्पो रन आप कंटिन्यू रख सकते हो। तो अगर मैं बोलता हूँ आपका सिर्फ एक वीक रह गया, लास्ट वीक आपको कैसे रन गया, आपका संडे को रेस है, तो आप ट्यूजडे को एक आप ट्यूजडे को 3200 मीटर के 2 repetitions ले सकते हो, और फिर आप उसमें एक 1600 मीटर का और रेपिटेशन भी लगा सकते हो। तो मैं आपको वो वर्कआउट डाल देता हूँ स्क्रीन पे। उसके अलावा थर्सडे को आप एक टेम्पो रन ले सकते हो, और फिर फ्राइडे सैटरडे आप रेस्ट कर सकते हो। जैसे भी आपका रनिंग हिस्ट्री है, जैसे आपने अपना कॉम्पिटिशन शेड्यूल किया है, पहले आपने रनिंग करी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके 2-3 दिन ईजी होने चाहिए अपने कॉम्पिटिशन से पहले। मतलब आप कॉम्पिटिशन के वीक में ज़्यादा हार्ड वर्कआउट मत करो, शार्पनिंग वर्कआउट्स करो, और रेस्ट अच्छा लो, एडिक्वेट स्लीप लो, डाइट अच्छी रखो। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और आपको इस वर्कआउट से जो मैंने वर्कआउट बताया आपको थोड़ी सी हेल्प मिले, एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और फिर भी आपको कोई टॉपिक पे अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप मुझे नीचे वीडियो सेक्शन में कमेंट कर सकते हो।